आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 विज्ञान विषय का पाठ नंबर 8। प्यारे बच्चों, इस पाठ का नाम है शरीर में गति। यह पाठ हमें हमारे शरीर में होने वाली गति से संबंधित जानकारी देता है। तो आइए शुरू करते हैं अपने आज के पाठ शरीर में गति, जो कि विज्ञान विषय का पाठ नंबर 8 है। प्यारे बच्चों, आप बिल्कुल शांत होकर बैठिए और देखिए कि आपके शरीर में कौन कौन सी गति हो रही है। जैसे आप समय समय पर अपनी पलक झपकाते हैं, आप श्वास लेते हैं तो भी गति होती है, और इस प्रकार से निरंतर अनेक गतियां होती रहती हैं। परंतु आप यह देखिए कि जब आप चलते हैं, आप उठते हैं, दौड़ते हैं, भागते हैं, कूदते हैं, तो क्या तब की जो गति है और आपने बैठे बैठे जो गतियां की, उनमें कोई अंतर है? हाँ, बिल्कुल है। तो आज जो हम सीख रहे हैं, वह हमें हमारे शरीर में होने वाली गतियों के विषय में ही सिखाने वाला है। प्यारे बच्चों, क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि आप शरीर के विभिन्न भागों को अलग अलग स्थान से मोड़ या घुमा पाते हैं? अब आप सोचिए, यह कौन से स्थान है? बिल्कुल सही, जहां पर दो हिस्से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, वही वह भाग हैं जहां से आप अपने शरीर को मोड़ सकते हैं, घुमा सकते हैं या उछल कूद कर सकते हैं। तो आज जो हम पाठ पढ़ेंगे, उनमें हम अपने शरीर के विभिन्न संधियों के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। संधि माने कुछ ऐसे भाग या ऐसे जोड़ होते हैं जो दो भागों को जोड़ देते हैं, जहां से आप उन दो अंग को मोड़ सकते हैं, घुमा सकते हैं। तो विभिन्न क्रियाकलाप की सहायता से हम अपने शरीर में पाई जाने वाली विभिन्न विभिन्न संधियों के विषय में सीखेंगे, जैसे कंदुकखली का संधि, दुराग्र संधि, हिंज संधि, अचल संधि। ये सभी संधियां हमारी मदद करती हैं हमारे शरीर को गति करने में। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आज तो आप बड़े मजे से उछल कूद रहे हो। क्या आप जानते हो कि हमारा शरीर ये सब उछल कूद कैसे कर पाता है? क्या आपने ध्यान दिया है कि हम शरीर के विभिन्न भागों को उसी स्थान से मोड़ अथवा घुमा पाते हैं जहां पर दो हिस्से एक दूसरे से जुड़े हों, जैसे आपकी कोहनी, कंधा या गर्दन? क्या आप ऐसे कुछ अन्य भागों के नाम बता सकते हैं? इन स्थानों को संधि कहते हैं दोस्तों। यदि हमारे शरीर में कोई संधि नहीं होती, तो आपके विचार में क्या हमारे लिए किसी भी प्रकार की गति करना संभव होता? नहीं ना, बगैर संधि के हम अपने शरीर के किसी अंग को नहीं हिला सकते। तो आइए सबसे पहले जानकारी प्राप्त करते हैं कंदुक खली का संधि के विषय में। और इस क्रियाकलाप का नाम है कंदुक खली का संधि। तो चलो मेरे साथ कक्षा 6 में देखने के लिए ये क्रियाकलाप, कंदुक खली का संधि। प्यारे बच्चों, आज के इस क्रियाकलाप के लिए हमें आवश्यक सामग्री जो चाहिए वह है एक बेलन, एक प्लास्टिक बॉल और एक कटोरी। बेलन को हम प्लास्टिक बॉल में इस प्रकार से फंसा लेंगे और कटोरी के अंदर प्लास्टिक बॉल युक्त बेलन को इस प्रकार से हम
घुमाने की कोशिश करेंगे। ठीक ऐसे ही आप अपने हाथ को भी गोल गोल घुमा सकते हैं। यह किस प्रकार से कार्य करता है? बेलन आपका हाथ, गेंद इसका एक सिरा है और कटोरी कंधे के उस भाग के समान है जिससे आपका हाथ जुड़ा है। एक अस्थि का गेंद वाला गोल हिस्सा दूसरी अस्थि की कटोरी रूपी गुहिका में धंसा हुआ है। इस प्रकार की संधि सभी दिशाओं में गति प्रदान करती है। तो ये था अपना क्रियाकलाप जिसमें हमने देखा कंदुक खलीका संधि किस प्रकार से कार्य करती है। ठीक इसी प्रकार से हमारी गर्दन भी घूमती है, परंतु यह किस प्रकार से कंधे से अलग है, आइए सीखते हैं एक और संधि के विषय में जिसका नाम है धुराग्र संधि। दोस्तों, हम शरीर में गति के विषय में बात कर रहे थे और आज हम शरीर में पाई जाने वाली दो बहुत ही महत्वपूर्ण संधियों के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। गर्दन तथा सिर को जोड़ने वाली संधि धुराग्र संधि कहलाती है। इसके द्वारा सिर को आगे पीछे या दाएं एवं बाएं घुमा सकते हैं। आप भी इन गतियों को करने का प्रयास करें। इस संधि में बेलनाकार अस्थि एक छल्ले में घूमती है, जिसके कारण हम अपनी गर्दन को चारों तरफ गति करवा सकते हैं। यह कंदुक खलीका संधि से भिन्न है, जैसा कि आप चित्र में भी देख सकते हैं। तो बच्चों, ये था अपना क्रियाकलाप जिसमें हमने सीखा धुराग्र संधि के विषय में। प्यारे बच्चों, धुराग्र संधि की वजह से ही हम अपनी गर्दन और सिर को दाएं बाएं घुमा सकते हैं। आइए अब सीखते हैं एक और अति महत्वपूर्ण संधि जिसका नाम है हिंज संधि। दोस्तों, हमारे शरीर में बहुत सारी अस्थियां होती हैं, लेकिन जब अस्थियों को मोड़ा नहीं जा सकता तब हम अपनी कोहनी को कैसे मोड़ लेते हैं, मैं आपको बताता हूँ। हाथ के ऊपरी हिस्से से लेकर कलाई तक एक ही लंबी अस्थि नहीं होती। वास्तव में अनेक अस्थियाँ कोहनी तक जुड़ी रहती हैं। इसी प्रकार हमारे शरीर के प्रत्येक हिस्से में अनेक अस्थियाँ हैं। हम अपने शरीर को कैसे उसी स्थान पर हिला या झुका नहीं सकते जहाँ ये अस्थियाँ एक दूसरे से मिलती हैं। विभिन्न गतिविधियों एवं विभिन्न प्रकार की गतियों के लिए हमारे शरीर में अनेक प्रकार की संधियाँ होती हैं। आइए इन्हीं में से एक हिंज संधि के विषय में जानते हैं एक क्रियाकलाप की सहायता से। बच्चों, इस क्रियाकलाप के लिए एक मोटे कागज अथवा गत्ते का एक बेलन बनाइए, फिर चित्र में दिखाए अनुसार गत्ते अथवा कागज के बेलन के मध्य में छेद करके एक छोटी पेंसिल लगाइए। गत्ते का एक और टुकड़ा लेकर उसको इस प्रकार मोड़िए कि यह आधा बेलन बन जाए, जिस पर दूसरे बेलन को सरलता से घुमाया जा सके। आधे बेलन पर रखा पूर्ण बेलन कब्जे की भांति है और पेंसिल लगे बेलन को चलाने का प्रयास कीजिए।
यह किस प्रकार गति करता है। बच्चों, इससे यह पता चलता है कि हिंज एक दिशा में गति होने देता है। बताइए, हमारे कौन से अंग में यह संधि पाई जाती है? बिल्कुल ठीक, कोहनी में हिंज यानी कब्जा संधि होती है, जिससे केवल आगे और पीछे एक ही दिशा में गति हो सकती है। तो बच्चों, यह था अपना क्रियाकलाप हिंज संधि को दर्शाता हुआ। और अब बात करते हैं एक ऐसी संधि के विषय में जो गतिमान नहीं होती। बच्चों, हमारे सिर की अस्थियों के बीच की कुछ संधियां उन संधियों से भिन्न हैं जिनकी चर्चा हमने अब तक की है। ये अस्थियां इन संधियों पर हिल नहीं सकती। ऐसी संधियों को अचल संधि कहते हैं। जब आप अपना मुंह खोलते हैं तो आप अपने निचले जबड़े को सिर से दूर ले जाते हैं। यही कोशिश आप अपने ऊपरी जबड़े को हिलाने में कीजिए। क्या आप इसे गति दे पाते हैं? नहीं ना, क्योंकि ऊपरी जबड़े एवं कपाल के बीच जो संधि है वह संधि इसे ऐसा नहीं करने देती, और उस संधि का नाम है अचल संधि। प्यारे बच्चों, यह बात की हमने अपने शरीर में पाई जाने वाली विभिन्न संधियों के विषय में। परंतु क्या आप जानते हैं हमारे शरीर का यह ढांचा किस प्रकार से बना है? कौन कौन से अंग कैसे कैसे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं? प्यारे बच्चों, हमारे शरीर के इस ढांचे को कंकाल कहते हैं। आइए जानते हैं हमारे शरीर के इस ढांचे यानी मानव कंकाल के विषय में। कैसे हो प्यारे बच्चों? आज मैं आपको शरीर की विभिन्न अस्थियों के विषय में जानकारी दूंगा, और ये जानकारी आप सीखेंगे एक क्रियाकलाप की सहायता से। और क्रियाकलाप का नाम जानते हैं? आओ पहचाने। और सबसे पहले बच्चों, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ मानव कंकाल का चित्र। बच्चों, इस चित्र को ध्यान से देखिए। हमारे शरीर की सभी अस्थियाँ ठीक इसी प्रकार हमारे शरीर को एक सुंदर आकृति प्रदान करने के लिए एक ढांचे का निर्माण करती हैं, और इसी ढांचे को हम कंकाल कहते हैं। और मनुष्य में पाए जाने वाले ढांचे का नाम क्या हुआ? मानव कंकाल। और शरीर के कुछ अंगों में मौजूद अस्थियों और उनकी संख्या तथा आकृति के बारे में हमें तब पता चलता है जब हम उनका अनुभव करते हैं। और बच्चों, एक्सरे चित्र से हमें शरीर की सभी कठोर अस्थियों की आकृति का पता चलता है। बच्चों, अपनी उंगलियों को मोड़िए। क्या आप उन्हें प्रत्येक संधि स्थल पर मोड़ सकते हैं? आपकी मध्यमा में कितनी अस्थियां हैं? अपनी हथेली के पिछले भाग का स्पर्श करके अनुभव कीजिए। क्या इसमें आपको अनेक अस्थियां महसूस होती हैं? क्या आपकी कलाई लचीली है? बच्चों,
यह अनेक छोटी छोटी अस्थियों से बनी है जिन्हें कार्पेल कहते हैं। यदि इसमें मात्र एक ही अस्थि होती तो आप सोच सकते हैं आप अपना हाथ कैसे मोड़ते, कैसे वस्तु को पकड़ते और कैसे कोई भी कार्य करने में सक्षम होते। तो देखिए चित्र में किस प्रकार से आपके हाथ की अस्थियां व्यवस्थित होती हैं। बच्चों अब इस चित्र को ध्यान से देखिए और इसकी पहचान कर लीजिए। यदि आप अपनी गहरी सांस भरकर कुछ समय तक रोकेंगे और अपने वक्ष एवं पीठ को हल्के से दबाकर अपनी अस्थियों को अनुभव करेंगे तो यही ढांचा आपको महसूस होगा। आप अपनी पसलियों को गिन भी सकते हैं। आप देखेंगे कि पसलियां विशेष रूप से मुड़ी हुई हैं। ये वक्ष की अस्थि एवं मेरुदंड से जुड़कर इस बक्से की रचना करती हैं और इस शंकु रूपी बक्से को पसली पिंजर कहते हैं, जैसा आपको चित्र में नजर भी आ रहा है। और वक्ष के दोनों तरफ 12 पसलियां होती हैं और इसका सबसे बड़ा जो फायदा है वह यह है कि ये पसली पिंजर हमारे शरीर के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण अंगों को सुरक्षित रखता है। बच्चों आप अपने मित्र या भाई बहन को बिना घुटने मोड़े झुककर उसके पांव की अंगुलियां छूने को कहिए। क्या यह चिकनी, समतल अथवा अखंड है? अपनी अंगुलियों को अपने मित्र की गर्दन से प्रारंभ करके उसकी पीठ पर नीचे की ओर लाइए। आपके द्वारा अनुभव की गई संरचना मेरुदंड है, जैसी आपको चित्र में नजर आ रही है। और बच्चों यदि आप चित्र को ध्यान पूर्वक देखोगे तो आपको अनेक छोटी छोटी अस्थियां नजर आएंगी और यही छोटी छोटी अस्थियां मिल करके मेरुदंड का निर्माण करती हैं और इन अस्थियों का नाम होता है कशेरुका। याद रखें क्या नाम होता है? कशेरुका। और बच्चों मेरुदंड 33 कशेरुकाओं का बना होता है। पसली पिंजर भी वक्ष क्षेत्र की इन अस्थियों से जुड़ा होता है। और यहाँ मैं आपको बता दूँ, आप सोचें कि यदि मेरुदंड केवल एक ही अस्थि का बना होता तो क्या आपका मित्र इस प्रकार नीचे झुक सकता था? नहीं ना? तो ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हमारा मेरुदंड एक अस्थि का ना बन करके अनेक छोटी छोटी अस्थियों से बना हुआ है। और बच्चों अब अपने इसी मित्र को खड़े होकर हाथों से किसी दीवार को धक्का लगाने के लिए कहिए। उससे कहिए कि वह अपने हाथों से दीवार पर धक्का लगाने का प्रयास करे और आप ध्यान से देखें क्या आपको उसके कंधों के समीप दो उभरी हुई अस्थियां दिखाई देती हैं, ठीक ऐसी ही जैसी कि चित्र में दिखाई दे रही हैं। और जानते हो इन्हें क्या कहते हैं? ये होती हैं हमारे कंधे की अस्थियां। तो आप इस चित्र को भी अच्छे से पहचान लीजिए। और बच्चों अब आप इस चित्र को ध्यान पूर्वक देखिए। यह संरचना श्रोणि अस्थियां हैं। यह बक्से के समान एक ऐसी संरचना बनाती हैं जो आपके आमाशय के नीचे पाए जाने वाले विभिन्न अंगों की रक्षा करती है। यह कुल्हे वाला वह हिस्सा है जिसके सहारे आप बैठ भी सकते हैं। तो यह भी हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। और बच्चों यह जो चित्र नजर आ रहा है यह तो आपने अनेकों बार देखा हुआ होगा। ये है मानव खोपड़ी का चित्र। आपकी खोपड़ी अनेक अस्थियों के एक दूसरे से जुड़ने से बनी हुई है।
और यह हमारे शरीर के अति महत्वपूर्ण अंग मस्तिष्क। जी हाँ बच्चों, मस्तिष्क को परिबद्ध करके उसकी सुरक्षा करती है। बच्चों, हमने अपने शरीर की बहुत सी अस्थियों और संधियों के बारे में चर्चा की। कंकाल के कुछ अतिरिक्त अंग भी होते हैं जो हड्डियों जितने कठोर नहीं होते और जिन्हें मोड़ा भी जा सकता है, और उन्हें हम उपास्थि कहते हैं। बच्चों, आप अपने कान को स्पर्श कीजिए। आप एक ऐसे कठोर अस्थि भाग का अनुभव करेंगे जिसे आप मोड़ सकते हैं। आपको ऐसा महसूस होगा कि यहाँ कोई अस्थि नहीं है। आप अब अपनी उंगलियों के बीच कर्णपाली को दबाने की कोशिश करें। अब आपको कर्णपाली और कान के ऊपर वाले हिस्से में अवश्य अंतर महसूस होगा। आपको लगेगा कि आपके कान का ऊपरी भाग इतना लचीला नहीं है जितनी कि आपकी कर्णपाली है। बच्चों, हमने चित्रों की सहायता से अपने शरीर की उन अस्थियों एवं उनकी संधियों के विषय में जानकारी प्राप्त की है जो विभिन्न प्रकार की गति करने में हमारी सहायता करती है। क्या आप बता सकते हैं अस्थियों को इस प्रकार की गति करने योग्य कौन बनाता है? बिल्कुल सही, पेशियां, जो कि आपको यहाँ चित्र में दिखाई दे रही हैं। बच्चों, अस्थि को गति प्रदान करने में दो पेशियां संयुक्त रूप से कार्य करती हैं। तो बच्चों, ये हमने सीखा मानव कंकाल के विषय में, और अब समय है कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का। और आपका पहला प्रश्न है, शरीर के दो विभिन्न अंगों को जोड़ने वाले बिंदु को क्या कहते हैं? और आपके विकल्प हैं, विकल्प क जोड़, ख आबंध, मिलन या संधि। और इसका सही जवाब है विकल्प घ यानी संधि। और प्रश्न दो है, आपके कंधे में कौन सी संधि पाई जाती है? और आपके विकल्प हैं कंदुक खलिका, धुराग्र संधि, हिंज संधि या फिर अचल संधि। और आपका जवाब एकदम सही, विकल्प के यानी कंदुक खलिका संधि। और आपका प्रश्न तीन है, कोहनी में पाई जाने वाली संधि का क्या नाम है? और आपके विकल्प हैं विकल्प क कंदुक खलिका, ख धुराग्र संधि, ग हिंज संधि और घ अचल संधि। और आपने एकदम सही जवाब दिया है विकल्प ग हिंज संधि। प्रश्न नंबर चार है, अस्थि एवं मेरुदंड से जुड़कर बनने वाले शंकु रूपी बक्से को क्या कहते हैं? और इस प्रश्न के लिए आपके विकल्प हैं विकल्प क कंकाल, ख पिंजरा, विकल्प ग पसली पिंजर और विकल्प घ मेरुदंड। और इसमें आपका जवाब है एकदम सही, विकल्प ग यानी कि पसली पिंजर। और प्रश्न नंबर पांच है, निम्न में से कौन मिलकर मानव कंकाल का निर्माण करते हैं? और इस प्रश्न के विकल्प हैं विकल्प क संधि, ख अस्थि, ग उपास्थि या फिर विकल्प घ उपरोक्त सभी। और इसका सही जवाब है विकल्प घ उपरोक्त सभी। तो प्यारे बच्चों, यह था अपना आज का पाठ। फिर मिलेंगे, तब तक